हेलो स्टूडेंट, मैं मोहित तोमर आप सभी का पीसम सब्जेक्ट लर्निंग चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज किस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वह है विद्युत आवेश। तो दोस्तों, आज किस वीडियो में मैं आपको विद्युत आवेश के बारे में बताने वाला हूं कि विद्युत आवेश किसे कहते हैं, विद्युत आवेश की परिभाषा एग्जाम में किस तरीके से लिखी जाती है, विद्युत आवेश का सूत्र क्या है, विद्युत आवेश का मात्रक क्या है, विद्युत आवेश कौन सी राशि है, विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये सारी की सारी बातें लिखवाने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल पीसम सब्जेक्ट लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए तथा उसके आगे की बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि दोस्तों जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, आपको हेडिंग डालनी है विद्युत आवेश। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? विद्युत आवेश। तो दोस्तों, पहले तो आपको यह जानना जरूरी है कि विद्युत आवेश किसे कहते हैं, विद्युत आवेश होता क्या है आखिर। तो दोस्तों देखिए, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं विद्युत आवेश कहलाते हैं। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है, यदि हमारे पास दोस्तों कोई पदार्थ है, हमारे पास क्या है, कोई पदार्थ है, और दोस्तों उस पदार्थ के अंदर विद्युत तथा चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है। कौन सा गुण उत्पन्न हो जाता है उस पदार्थ के अंदर? विद्युत तथा चुंबकीय दोनों गुण उत्पन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों वह पदार्थ हमारा क्या कहलाएगा? विद्युत आवेश कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों? विद्युत आवेश कहलाएगा। आप इस बात को जरा एक चित्र के माध्यम से समझिए। दोस्तों ये आप जो देख रहे हैं ना, गोला सा, ये हमारा एक पदार्थ है। हमारा क्या है? एक पदार्थ है। अब दोस्तों इस पदार्थ के अंदर विद्युत और चुंबकीय दोनों गुण उत्पन्न हो गए हैं। कौन कौन से गुण उत्पन्न हो गए हैं दोस्तों? विद्युत और चुंबकीय दोनों गुण उत्पन्न हो गए हैं। तो दोस्तों विद्युत का मतलब होता है करंट, बिजली, और चुंबकीय का अर्थ होता है दोस्तों आकर्षण, किसी अन्य पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करना। तो दोस्तों जब किसी पदार्थ के अंदर विद्युत तथा चुंबकीय दोनों गुण उत्पन्न हो जाते हैं तो वह पदार्थ हमारा क्या कहलाता है? विद्युत आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? विद्युत आवेश कहलाता है। तो इस पदार्थ के अंदर विद्युत तथा चुंबकीय दोनों गुण उत्पन्न हो गए हैं तो इसलिए हमारा पदार्थ क्या हो गया? विद्युत आवेश। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि विद्युत आवेश किसे कहते हैं, और दोस्तों आपको अपने एग्जाम में सेम इसी तरीके से विद्युत आवेश की परिभाषा लिखनी है। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं विद्युत आवेश कहलाता है। तो दोस्तों आपको इसी तरीके से विद्युत आवेश की परिभाषा लिखनी है, और दोस्तों आपको आगे लिखना है इसे क्यों से प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों जो विद्युत आवेश होता नहीं, हमारा विद्युत आवेश, इसे हम क्यों से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों? क्यों से? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए विद्युत आवेश को किससे प्रदर्शित किया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं विद्युत आवेश के सूत्र पर, कि विद्युत आवेश का सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों आपको लिखना है क्यों बराबर एनी। क्या लिखना है दोस्तों? क्यों बराबर एनी। तो दोस्तों ये किसका सूत्र है हमारा? विद्युत आवेश का। किसका सूत्र है दोस्तों? विद्युत आवेश का। विद्युत आवेश को किससे निरूपित करते हैं? क्यों से। तो दोस्तों हमारा विद्युत आवेश का सूत्र क्या होगा? क्यों बराबर एनी। क्या हो गया दोस्तों? क्यों बराबर एनी। अब दोस्तों जहां एन है, जहां एन है तो दोस्तों वो होगा हमारा एन बराबर पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या होगा दोस्तों? पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मान लीजिए दोस्तों ये पदार्थ हमारा विद्युत आवेश है। ये पदार्थ क्या हमारा? विद्युत आवेश। तो दोस्तों इस पदार्थ के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उन सारे इलेक्ट्रॉनों की संख्याओं को गिना जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन है उन सबको गिना जाएगा, और उन्हें किससे प्रदर्शित किया जाएगा? एन से प्रदर्शित किया जाएगा। किससे प्रदर्शित किया जाएगा? एन से। तो हम कहेंगे एन बराबर पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कि उस पदार्थ में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और दोस्तों जहां ई है, जहां ई है तो ई बराबर होगा दोस्तों हमारा 1.6 गुणा 10⁻¹⁹ कूलाम, ब्रैकेट में इलेक्ट्रॉनों पर आवेश। तो दोस्तों ई का मतलब ये होता है कि हमारे पदार्थ के अंदर एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश है। तो कितने आवेश है? 1.6 गुणा 10⁻¹⁹ कूलाम। ये हमारे एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है।
तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि ई का मतलब क्या है। तो दोस्तों आपको एन का भी और ई का भी दोनों का मतलब समझ में आ गया है। अब दोस्तों बात करते हैं विद्युत आवेश की मात्रक पर कि विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों देखिए विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। क्या होता है दोस्तों? विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है और यह एक अदिश राशि है। यह क्या दोस्तों हमारी? यह एक अदिश राशि है। दोस्तों अदिश राशि का मतलब होता है जिस राशि के अंदर केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती है, वो हमारी अदिश राशि कहलाती है। तो ये जो हमारा विद्युत आवेश होता है ना, विद्युत आवेश, इसके अंदर केवल परिणाम होता है, मतलब इसका केवल मान होता है, इसकी कोई दिशा नहीं होती है। इसलिए दोस्तों ये हमारी कौन सी राशि हो जाती है? एक अदिश राशि हो जाती है। और विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। क्या होता है दोस्तों? कूलाम। तो दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है और विद्युत आवेश की राशि कौन सी है। तो विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है, यह एक अदिश राशि है। तो दोस्तों आपको दोनों चीज पता चल गई है। अब दोस्तों बात करते हैं विद्युत आवेश के प्रकार पर कि विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों आपको लिखना है विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है धनावेश और दूसरा होता है ऋणावेश। दोस्तों एक तो होता है हमारा धनावेश और एक होता है ऋणावेश। दोस्तों ये जो हमारा धनावेश होता है ना, ये धनावेश, इसे हम प्लस से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों? प्लस से। और दोस्तों ये जो हमारा ऋणावेश होता है ना, ऋणावेश, इसे हम माइनस से निरूपित करते हैं। किससे निरूपित करते हैं? माइनस से, या कह सकते हैं माइनस से व्यक्त करते हैं। धनावेश का मतलब प्लस, ऋणावेश का मतलब माइनस। तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए धनावेश को किससे निरूपित किया जाता है, ऋणावेश को किससे। तो दोस्तों आपको पता चल गया कि विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं। विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश एक ऋणावेश। तो दोस्तों आपको ये भी पता चल गया विद्युत आवेश किसे कहते हैं, विद्युत आवेश की परिभाषा एग्जाम में किस तरीके से लिखी जाती है। विद्युत आवेश का आपको सूत्र भी पता चल गया, विद्युत आवेश का आपको मात्रक भी पता चल गया, विद्युत आवेश का आपको राशि पता चल गई, विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं ये भी आपको पता चल गया। तो दोस्तों आपको विद्युत आवेश के बारे में सारी बातें पता चल गई है। तो दोस्तों आपको विद्युत आवेश के बारे में एग्जाम में इतना ही लिखना है। यदि दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों आपका हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।